हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं जर्मनी के एक छोटे से गांव जिसका नाम है फाकांट। ये है गार्मिश से एक स्टेशन दूर और हम आए हैं यहाँ पे ट्रेन से फ्रॉम म्यूनिक। यहाँ आने के लिए आपको करीबन 1.5 घंटा लगता है, 1 आवर 10 मिनट्स टू 1 आवर 15 मिनट्स टू बी प्रेसाइज। और यहाँ हम आए हैं एक वाटरफॉल देखने, और वाटरफॉल तक हम करेंगे हाइक, विच इज़ अबाउट 30 मिनट्स ऑफ हाइक, और रास्ते में काफ़ी सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर हाइक। कूफ्लुक्ट वाटरफॉल आप बहुत इजीली फाकांट स्टेशन से हाइक कर सकते हैं। ये बस 2.1 किलोमीटर का हाइक है इन टोटल एंड इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू कंप्लीट। फाकांट ट्रेन स्टेशन के बाहर निकलते ही हमने ये देखा, दिस इज एन आइसक्रीम वेंडिंग मशीन। मैं पहली बार देख रहा हूँ आइसक्रीम वेंडिंग दिस इज मशीन। द पूल राइट? या इट इज, यहाँ आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं एंड यू कैन पे बाय कैश एज वेल। और हर साइज का आइसक्रीम डब्बा रखा हुआ है। और यहाँ और एक वेंडिंग मशीन है। इसमें पास्ता सॉस रखा हुआ है, वोस रखा हुआ है एंड चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट्स एंड चिप्स वगैरह रखे हुए हैं। इट्स लाइक अ रेगुलर वेंडिंग मशीन बट यहाँ पे योगर्ट और पास्ता सॉस रखा हुआ है। और आइसक्रीम वाला मैंने फर्स्ट टाइम देखा, सो सोचा आपको दिखा दूँ। स्टेशन के पास में ही रेस्ट रूम है, तो अगर आपको रेस्टरूम यूज़ करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो फॉरेस्ट और हाइक जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ रेस्टरूम होगा। और टूरिस्ट ऑफिस भी पास में ही है, डायरेक्शन मार्क्ड है, तो अभी हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। लेट्स गो। अच्छा, जैसे ही आप बाहर निकले तो यहाँ डायरेक्शन मार्कर्स हैं टुवर्ड्स द वाटरफॉल एंड द हाइकिंग रूट। अच्छा, जब ट्रेन आने वाली होती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट्स क्लोज हो जाते हैं। लेट्स गो। सो ये फाकांट के आसपास का मैप है और हम जा रहे हैं यहाँ इस वाटरफॉल। एंड आप देख सकते हैं यहाँ गार्मिश पार्टनकिर्चन है और ज़ुक्सपिट्स यहाँ है। सो ज़ुक्सपिट्स, एल्सपिट्स और वांक। तो वाटरफॉल के लिए रास्ता जो है वो स्ट्रेट जाता है एंड यहाँ तक आप अपना कार ला सकते हैं एंड यू कैन पार्क इट हियर विद बेसिकली पार्किंग परमिट या पार्किंग टिकट बेसिकली, एंड देन यहाँ से आप हाइक कर सकते हैं। ये यहाँ पे पार्किंग टिकट के लिए वो टिकट मशीन है, यहाँ पे यहाँ से आप पार्किंग टिकट ले सकते हैं एंड देन यू कैन Keep it in your car. अच्छा, यहाँ पे भी रेस्टरूम्स हैं। Yes. We are going here. Yeah. But हम हैं कहाँ? This is the parking, I guess. And there is a beautiful pool. I don't know हम कहाँ हैं. हम actually यहाँ हैं P1. P1. I think this is the place. And this is entrance, this is the angle, and then you kind of walk. I don't know how to reach there. Maybe. Chalo, let's go. We'll see. But there's lot of places here. Right. Yes. Maybe we can. You have this. Yeah. Let's go. Perfect. Chalo, let's go. Hello. Hello. Service. Okay. ये गेट बंद करना है बिकॉज ऑफ एनिमल्स। अच्छा, एज यूजुअल हम आए हैं तो बारिश तो होगी, तो बारिश हो रही है अभी। जहाँ भी जाते हैं बारिश होती है। वो बता रहा है किसा? हम एक्चुअली हम जब आयरलैंड में रहते थे
हम बारिश को इतना कोसते थे इतना कोसते थे, हमारी गलती है कि हम भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ बारिश होती है। इनफैक्ट हम सहारा डेजर्ट भी गए थे जो वर्ल्ड का सबसे हॉट प्लेसेस, वन ऑफ द हॉट प्लेसेस, और जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है वहाँ भी बारिश हो रही थी जब हम गए थे। ये आपको मैप मिल जाएगा वहाँ से, और अभी हम इस मैप को फॉलो करके ये वाटरफॉल तक जाने वाले हैं। यप, दस मिनट हो गया हमें हाइक करते हुए, और आई थिंक यहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम है, लेट्स सी। और एक जगह है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, और ये जगह विंटर में भी बहुत पॉपुलर है। ओके, और इस तरह से मतलब ये आई थिंक ये पानी उस वाटरफॉल का ही पानी है, आई गेस, राइट? हो सकता है, लेट्स सी। मैं बैकपैक में ड्रोन भी लेके आया हूँ, बट आई होप कि वेदर थोड़ा बेटर हो वाटरफॉल के पास, एटलीस्ट मैं ड्रोन फ्लाई कर सकूं, क्योंकि अगर बारिश हो रही होगी देन आई विल नॉट बी एबल टू फ्लाई द ड्रोन, और इतना दूर उसे उठा के लाना बेकार हो जाएगा। तो लेट मी शो यू, यहाँ पे जो पानी का स्ट्रीम है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, लेट्स गो, देख के आते हैं। वैसे भी बारिश हो रही है, व्यू पॉइंट बना रखा है। हाँ, तो आप नीचे तक जा सकते हैं बेसिकली, और वहाँ ऊपर व्यूइंग पॉइंट है। तब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, यहाँ से आई थिंक 100 मीटर की दूरी में है। तो वाटरफॉल पहुंच गए हम, और यहाँ फुट ओवर ब्रिज है, अगर आप देख सकते हैं, इसके हम उसके ऊपर जाने वाले हैं अभी, वो ब्रिज क्रॉस करके। यहाँ अगर आप देख सकते हैं ये जैसे बैरिकेडिंग हुआ है, लग रहा है यहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड हुआ है कभी। यू कैन सी द ट्रेसेस ऑफ इट। अच्छा, वहाँ प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, सो लेट्स गो। ऊपर प्लेटफॉर्म से भी एक बार देख के आते हैं कैसा दिखता है ये ब्रिज और वाटरफॉल।
सो ये है व्यू प्लेटफॉर्म से, और वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ के जाने के लिए। इट गोज ऑल द वे अप देयर। अभी हम वापस जा रहे हैं, हमने वाटरफॉल देख लिया है। यहाँ वो हाइकिंग के लिए जो स्टिक्स आती है वो अगर आपके पास है तो वो लेके आइएगा, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। हम सोच रहे हैं कि हम भी वो हाइकिंग वाले स्टिक्स खरीदें, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइक कर रहे हैं हाल फिलहाल में। सो इसका ग्रेडियंट काफ़ी ख़तरनाक है, इट्स लाइक स्ट्रेट डाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं देन दे आर गोइंग टू हैव फन हियर। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कूफलुक का नाम आता है कूफलाक इन लोकल डायलेक्ट, व्हिच मींस अ प्लेस वेयर काउ रेस्ट्स ड्यूरिंग समर। लास्ट 100 मीटर्स का जो हाइकिंग पाथ था वो थोड़ा स्लिपरी था, तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। वाटरफॉल देखने के बाद हम वापस आए फाकांड स्टेशन, और यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेन मिल गई म्यूनिक के लिए। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन।